أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربط سورة القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ سے معلوم ہوا کہ انہوں نے مسئلہ توحید کی خاطر کئی تکلیفیں اٹھائیں. اب سورہ عنکبوت میں فرمایا کہ غیر اللہ کو کارساز سمجھنا ایسا ہے جیسے مکڑی کا جالا غیر اللہ کو کارساز سمجھنا ایسا ہے جیسے مکڑی کا جالا
जो बादो बारान से नहीं बचा सकता, जो बारिश और हवा से नहीं बचा सकता, इसी तरह गैरुल्ला की पनाह मसाइब में काम नहीं आ सकती। इसी तरह गैरुल्लाह की पनाह मसाइब में काम नहीं आ सकती, जैसे मकड़ी का जाला बादो बारान बारिश और जक्खड़ से नहीं बचा सकता, डावर का जाला बकरी का जाला, इसी तरह गैरुल्लाह की पनाह मसाइब में काम नहीं आ सकती। खुलासा, सूरह अनकबूत के दो दावे हैं, सूरह अनकबूत के दो दावे हैं। पहला दावा, ऐ ईमान वालो, तुम्हें आजमाइश की भट्टी में डाला जाएगा, तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा। ऐ ईमान वालो, तुम्हें आजमाइश की भट्टी में डाला जाएगा। दूसरा दावा, ऐ मुशरिको, मेरे अजाब से भाग नहीं सकोगे, के भाग जाओ और छुप जाओ, मेरे अजाब से भाग नहीं सकोगे। फिर सात किस्से आएंगे, पहले तीन किस्से, पहले दावा के साथ, फिर चार किस्से दूसरे दावा के साथ, मुतालिक होंगे, बस गोया दो दावे हैं, दो ही मसले हैं इस सूरत में, दो दावे हैं, दो ही मसले हैं। ईमान वालों, जिस जन्नत के तुम शैदाई हो वो जन्नत सिर्फ कलमा पढ़ लेने से हासिल नहीं होगी, उसके लिए तुम्हें आजमाइश की भट्टी में डाला जाएगा, तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा, आजमाइशें आएंगी, सब्र करना होगा। तीन किस्से इससे मुतालिक आएंगे, देखो फला पैगंबर पे कितने मसाइब आए, उन्होंने सब्र किया। दूसरा दावा आएगा, ऐ कुफर करने वालों, शिरक करने वालों, नाफरमानियां करने वालों, अल्लाह से भाग नहीं सकोगे, अल्लाह की जब पकड़ आएगी भाग नहीं सकोगे। चार किस्से इसके मुतालिक आएंगे, देखो फलां कौम पर अल्लाह की पकड़ आई,
भाग न सके, अल्लाह ने पकड़ कर तैश नैश कर डाला। ये सारी सूरत का बस यही खुलासा है। ये दो मसले पूरी सूरत में आ रहे हैं, दो दावे हैं, इन्हीं दो दावों के साथ ये सात किस्से मुतअल्लिक होगी। बस नासिर पखे चला दो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أحسب الناس दावे अव्वल पहला दावा, अहासे बन्नास, क्या गुमान कर लिया है लोगों ने, अं युत्रा को उन्हें छोड़ दिया जाएगा, अं यकूलू आमन्ना, इतना कहने पर कि उन्होंने कहा हम ईमान लाए, इतना कहने पर उनको छोड़ दिया जाएगा, वहुम ला युफ्तनून, और उनको आजमाया नहीं जाएगा। लोगों ने क्या गुमान कर लिया है कि माज कलमा पढ़ लेने पर उनको छोड़ दिया जाएगा और इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। वलकद फतन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, अलबत्ता ताकीक आजमाया हमने उन लोगों को जो इनसे पहले गुजरे, इनसे पहले जो लोग गुजर गए हमने उनके इम्तिहानात लिए। भला यालम अन्नल्लाहुल्लज़ीना सादकु, हिकमत अजमाए, हिकमत अज आजमाइश, हिकमत अज आजमाइश, आजमाया क्यों जाएगा। भला यालम अन्नल्लाहुल्लज़ीना सादकु, अल्लाह जाहिर करेगा उन लोगों को जो सच्चे हैं। वाला यालम अन्नल काज़िबीन, और जाहिर करेगा झूठ कहने वालों को सच्चे मोमिन कौन है और झूठे कौन है। अल्लाह इनको जुदा जुदा करेगा, आजमाइश से जुदा जुदा करेगा। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया है कि उनको छोड़ दिया जाएगा, माज कलमा पढ़ने पढ़ने पर छोड़ दिया जाएगा। वहुम ला युफ्तनून, और उन्हें नहीं आजमाया जाएगा। नहीं नहीं, इम्तिहान यकीनन आएंगे। वलकद फतन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, अलबत्ता ताकीक आजमाया हमने उन लोगों को जो इनसे पहले गुजरे। फला यालम अन्नल्लाह, इम्तिहान इसलिए लिया जाएगा, जाहिर कर दे अल्लाह सच्चे लोगों को और जाहिर कर दे झूठों को। अम हसिबल्लज़ीन, दावा सानी दूसरा दावा, दावा सानी, अम हसिबल्लज़ीना, क्या गुमान किया है उन लोगों ने, या मालून सैयात, जो बुरे बुरे काम कर रहे हैं, क्या गुमान किया है उन लोगों ने जो बुरे बुरे काम कर रहे हैं, अई यस्बिकूना, कि वो हमसे भाग जाएंगे, हमारे हाथ नहीं आएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। सामा यहकुमूना, ये बुरा फैसला कर रहे हैं, हमसे कोई भाग नहीं सकेगा। मन काना यरजुलिका अल्लाह, जो उम्मीद रखता है अल्लाह की मुलाकात की, फइन्ना अजलल्लाहात, अल्लाह की मियाद अलबत्ता आने वाली है। वह वस्समीउल अलीम, वो हर से सुनने वाला जानने वाला है। मन काना यरजुलिका अल्लाह, इस आयत का मतलब ये है, जिसको मौत का यकीन है, मन कान यरजू लिका अल्लाह,
जिसको मौत का यकीन है वो इन सारे वो पर इम्तिहानात से परेशान ना हो। जिसको मौत का यकीन है वो इम्तिहानात से परेशान ना हो। जब मौत आएगी, जब मौत आएगी तो इन सारे इम्तिहानात का बदला मिल जाएगा। जब मौत आएगी इन सारे इम्तिहानात का बदला मिल जाएगा। घबराना नहीं चाहिए। गोया ये है दावा अव्वल से मुतालिक है। मन काना यरजू लिका अल्लाह, जो उम्मीद करता है अल्लाह की मुलाकात की, मौत पर यकीन है। फइन्ना अजलल्लाहि लातिन, बेशक मियाद अल्लाह की आने वाली है। जब मौत आएगी सारे इम्तिहानों का बदला मिल जाएगा। वह वस्समीउल अलीम, वही हर से सुनने वाला हर से जानने वाला है। वह मन जाहदा, जिसने भी कोई मेहनत की, दीन की मेहनत कर रहा है। मन जाहदा, जिसने भी कोई मेहनत की, तकरीर की शक्ल में कर रहा है, तदरीस की शक्ल में कर रहा है, या तबलीग की शक्ल में कर रहा है, जिहाद की शक्ल में कर रहा है। मन जाहदा, जिसने भी दीन की मेहनत की, फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिही, वो मेहनत कर रहा है अपने ही नफस के फायदे के लिए। अल्लाह गनी है जहान वालों से। वल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात, बिशारत आयत का मतलब ये है, आए ईमान वालो, आए ईमान वालो, जिस दावे तौहीद की वजह से जिस दावे तौहीद की वजह से तुम पर मसाइब आएंगे, वो ऐसा अजीमुशान दावा है, वो ऐसा अज़ीमुश्शान दावा है कि हमने इंसान को वसीयत की थी, हमने इंसान को वसीयत की थी कि हर तरह माँ बाप की फरमा बरदारी करना है, हर तरह माँ बाप की फरमा बरदारी करना है। लेकिन शिरक वाली बात में, लेकिन शिरक वाली बात में उनकी इताअत नहीं करनी, शिरक वाली बात में उनकी इताअत नहीं करनी। ये ऐसा अहम मसला है। ये पिछली आयत रह रही है। वल्लज़ीना मनु, और वो लोग जो ईमान लाए, अमल साले किए, हम मिटा देंगे उनके गुनाहों को। वाला नज़ियन्नहुम, और बदला दे देंगे उनको।
बेहतर बदला उनके आमाल का, हम उनको उनके आमाल का बेहतर बदला देंगे। इंसान हमने हुक्म किया इंसान को माँ बाप के साथ भलाई करने का, वाइन जाहदा का, हमने ये कहा था अगर माँ बाप तेरे साथ झगड़ा करें ताकि तू मेरे शरीक बनाए उन चीजों को जिनके माबूद होने का तुझे कोई इलम नहीं, फला तो ते हो माँ उनकी ताबेदारी नहीं करना, इलैया मर जे को माँ हमारी जाने पर लौट कर आना तुम्हारा, पाओ नब्बे हो कुम बेमा कुन तुम तामालोना, मैं तुमको खबर दूंगा तुम जो जो काम करते रहे, मैं तुम्हें खबर दूंगा तुम जो जो काम करते रहे, पाओ नब्बे हो कुम बेमा कुन तुम तामालोना, वल्लजीना आमनुआ वल्लजीना आमनुआ, और वो लोग जो ईमान लाए, वल्लजीना आमनुआ वामिलुस्सालिहात, और वो लोग जो ईमान लाए अमल साले किए, लदुदखिलन्नहुम फिस्सालिहीन, अलबत्ता हम दाखिल करेंगे उनको आला दर्जे के नेक लोगों में, वमिनन्नास मन यकूलु आमन्ना बिल्लाह, जजर। यानी ऐ ईमान वालो, यानी ऐ ईमान वालो, उन मुनाफिकीन की तरह ना होना, उन मुनाफिकीन की तरह ना होना जो जबान से तो ईमान का दावा करते हैं, जबान से तो ईमान का दावा करते हैं लेकिन तकलीफ आने पर ईमान को खैर बाद कह देते हैं, लेकिन तकलीफ आने पर ईमान को खैर बाद कह देते हैं, ऐसा नहीं होना। वामिनन्ना से मैयकुल आमन्ना बिल्ला, बाजे लोगों में वो है जो जबान से तो कहते है आमन्ना बिल्ला हम अल्लाह पर ईमान लाए, फैजा उज या फिल्ला जब उसको तकलीफ दी जाती है अल्लाह के दीन की वजह से, जाला फितना तन्नास वो कर देता है लोगों की तकलीफ को अल्लाह के अजाब के बराबर, लोगों की तकलीफ को अल्लाह के अजाब के बराबर समझने लग जाता है, ईमान को खैर बाद कह देता है, वाला इंजा नसर मिन रब्बिका अगर आए मदद तेरे रब की जानिब से उस वक्त कहता है हम तुम्हारे साथ थे, मुसलमानों को फतह हो जाए फिर ये मुनाफिक कहता है हम तुम्हारे साथ थे, आवाले सल्लल्लाहु बि आलम बिमा फी सुदूरिल आलमीन, क्या अल्लाह नहीं जानता उन चीजों को जो जहान वालों के सीने में है, अल्लाह इनके सीने के निफाक को जानता है, अल्लाह इनके सीने के निफाक को जानता है, वाला याला मन्नल्लाहुल्लज़ीना आमनु हिकमते मसाइब, मसाइब इसलिए आएंगे अल्लाह ईमान वालों और मुनाफिकों को जुदा जुदा करना चाहता है, अल्लाह ईमान वालों और मुनाफिकों को जुदा जुदा करना चाहता है, वाला याला मन अल्लाह उल्लाजीना आमनुआ, जाहिर करेगा अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए, जाहिर करेगा मुनाफिकों को, मुसीबत के वक़्त मुनाफिक और मोमिन जुदा जुदा हो जाता है, वकाल अल्लाजीना काफरू, शिकवा बाज काफरों ने मुसलमानों से कहा, तुम हमारे मजहब पर आ जाओ, तुम हमारे मजहब पर आ जाओ, जिस अजाब से तुमको डराया जा रहा है
वो हम उठा लेंगे, वो हम उठा लेंगे। अल्लाह ने फरमाया जुगूट कहते हैं कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। वकाल लजीना काफरू, और कहा काफरों ने लिल्लजीना आमनु, ईमान वालों को इत्तबे सबीलना, तुम हमारी राह पर चलो, हम उठा लेंगे तुम्हारे गुनाहों को। वमा हुम बिहामिलीना, हालांकि नहीं है वो उठाने वाले इनके गुनाहों से कुछ भी। इन्नहुम लकाज़िबून, बेशक वो अलबत्ता झूठ कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। वाला यामेलना, वो उठाएंगे अपने बोझ और इनके बोझ भी, अपने बोझ तो जरूर उठाएंगे। हाँ, इनको गुमराह करने वाला बोझ, इनको गुमराह करने वाला बोझ, वो भी उनके जिम्मे होगा। वाला युसअलुना यौमल कियामा, इनसे पूछा जाएगा कियामत के दिन, ये जो जो करते रहे, जो झूठ बांधते रहे, जो झूठ बांधते रहे, उस झूठ के बारे कियामत के दिन पूछा जाएगा। वाला कद अरसलना नूहन इला कौमिही, किस्सा अव्वल मुतअल्लिक बदावाए अव्वल, किस्सा अव्वल मुतअल्लिक बदावाए अव्वल। सूरत के दो दावे थे। पहला दावा, ईमान वालों तुम्हें आजमाइश की भट्टी में डाला जाएगा, ईमान वालों तुम्हें आजमाइश की भट्टी में डाला जाएगा, जिस जन्नत के तुम शैदाई हो ये सिर्फ कलमा पढ़ने से नहीं मिलेगी, कलमा पढ़ने के बाद तुम्हें आजमाया जाएगा। दूसरा दावा था, कुफर करने वालों हमारी पकड़ से भाग नहीं सकोगे, हमारी पकड़ जब आएगी हमारी पकड़ से भाग नहीं सकोगे। ये दो दावे थे, रबत खुलासा हो चुका है। आप सिर्फ ये इशारा जेन में रखे ताकि सूरत जेन में बैठती रहे। पहला दावा, ईमान वालों तुम्हें आजमाइश की भट्टी में डाला जाएगा। दूसरा दावा, ऐ कुफर करने वालों तुम हमारी पकड़ से भाग नहीं सकोगे। दोनों दावों का मैं दोबारा तर्जमा कर देता हूं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम। अहसिबन नासु अन युत्रकू, दावा अव्वल, क्या गुमान किया है लोगों ने, अयुत्रा को कि उन्हें रहने दिया जाएगा, अयकुलू आमन्ना, महज इतना कहने पर कि हम ईमान लाए, इतना कहा हम ईमान लाए, कलमा पढ़ लिया, उन्हें रहना दिया जाएगा। वहुम ला युफ्तनून, और उन्हें आजमाइश में नहीं डाला जाएगा, ये गलत गुमान है उनका। वाला कद फतन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हमने इनसे पहले लोगों को आजमा आया, इम्तिहान क्यों लिया। फला यालमन अल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू, ताकि जान ले अल्लाह सच्चों को और जान ले झूठ बोलने वालों को। ईमान वालों, तुम्हें आजमाइश की भट्टी में डाला जाएगा, हमने पहले लोगों को भी आजमाया। आजमाइश क्यों करते हैं, ताकि सच्चा और झूठा जुदा जुदा हो जाए। ये पहला दावा था। अब दूसरा दावा आया, अम हसिब अल्लज़ीना यअमलून सय्यिआत, दावा सानी, दावा अम हसिब अल्लज़ीना यअमलून सय्यिआत, दावा सानी, क्या गुमान किया है उन लोगों ने, यअमलून सय्यिआत, जो बुरे बुरे काम कर रहे हैं।
महासेबल्लाजीना, क्या गुमान किया है उन लोगों ने, या मालून सयाद, जो बुरे बुरे काम कर रहे हैं उन्होंने क्या गुमान किया है, अयसबिकूना, कि वो हमसे भाग जाएंगे, हमारे कब्जे में नहीं आएंगे, हमसे भाग जाएंगे, सामाया कमून, बुरा फैसला कर रहे हैं, हमारी पकड़ आएगी, भाग नहीं सकेंगे। ये दो दावे थे। ये उसके बाद मैंने कहा सात किस्से आएंगे, पहले तीन किस्से पहले दावा से मुतालिक होंगे, ईमान वालों तुम्हें आजमाइश की भट्टी में डाला जाएगा, देखो फलां पैगंबर पर कितनी आजमाइशी आई। दूसरा चार किस्से दूसरे दावे से मुतालिक आएंगे, देखो फलां कौम ने जुर्म किया, हमारी पकड़ से भाग ना सके। बस वाला कदर सल्लानुहान किस्सा अव्वल मुतालिक बदावे अव्वल, मुतालिक बदावे अव्वल वाला कदर सल्लानुहान, अलबत्ता ताकि भेजा हमने नूह अलैहिस्सलाम को, इला कौमी ही उनकी कौम की जानिब, फला बेसफीम अल्फ सनातिल इल्ला खमसीना आमा, पस रहे वो उनके अंदर पचास कम हजार साल, वो रहे उनके अंदर, हजरत नूह उनके अंदर रहे पचास कम हजार साल, फाखज़हुम तूफान, आ पकड़ा उनको तूफान ने, और वो थे जुल्म करने वाले, फांजैना हमने निजात दे दी उस नूह अलैहिस्सलाम को, व अस्हाब सफीना और किश्ती वालों को जो हजरत नूह के साथ किश्ती में सवार थे, व जअलना आयतन लिल आलमीन और कर दिया हमने इस किस्सा को इबरत की निशानी जहान वालों के लिए, इबरत की निशानी जहान वालों के लिए। वाला कदर इल फला बे सफीहिम अल्फ सनतिन इल्ला खमसीन आमा, इस पर नंबर लगाओ। हजरत नूह के वाकया में साढ़े नौ सौ साल रहने का जिक्र सिर्फ इस जगह आया है। हजरत नूह का वाकया तो कुरान में कई मकामात पर आया है। साढ़े नौ सौ साल रहने का जिक्र सिर्फ इस जगह आया है। हजरत नूह के किस्सा में साढ़े नौ सौ साल रहने का जिक्र सिर्फ इस जगह आया है। इससे ये बताना मकसूद है कि उन्होंने तौहीद की खातिर अरसे दराज तक मुशरिकीन के हाथों मसाइब बर्दाश्त किए, अरसे दराज तक मुशरिकीन के हाथों मसाइब बर्दाश्त किए। बस आगे लिखना नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाकया में एक जगह ये भी आ रहा है कि हजरत नूह जहां तबलीग करने जाते लोग कहते मजनून वज़दुजर, तू दीवाना हो गया है, माज़ल्ला मजनून हो गया है, वज़दुजर झिड़का हुआ,
हमारे पीरों की मार पड़ गई है, जिस जगह भी जाते लोग धक्के दे देकर घर से बाहर निकाल देते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जिसके घर में भी जाते लोग धक्के दे देकर बाहर निकाल दे देते। इसीलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बे इन्नी दाउत कौमी लैलम व नहारा, ऐ मेरे मौला मैंने अपनी कौम को रात को भी दावत दी, दीन की दिन को भी दावत दी, फलम यजिद दुआई इल्ला फरारा, जब भी मैं दावत देने जाता ये भाग जाते थे। वस तक्षसियाबहुम, कानों में उंगलियां डाल लेते थे, कहते थे हमें तुझसे नफरत है, तेरी आवाज नहीं सुनना चाहते। वस तक्षसियाबहुम, अपने ऊपर कपड़ा ओढ़ लेते थे, कहते थे हम तेरी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करते कर सकते, इतनी नफरत करते थे। फिर भी मैं उनको समझाता रहा। 950 साल गुजर गए, कितने गुजर गए, 950 साल गुजर गए। कुरान समझाना चाहता है, ईमान वालों दीन के लिए बड़े बड़े मसाइब आएंगे, दीन के लिए बड़े बड़े मसाइब आएंगे, तुम्हें आजमाइश की भट्टी में डाला जाएगा, कामयाब हो जाओगे, अल्लाह जन्नत की नेमतों से मालामाल करेगा। जन्नत की नेमतों से क्या है? आजमाइश में पूरा उतरना है। तूने दीन सुना, कहीं तकरीर सुनी, दाढ़ी रख ली, अब दाढ़ी आ गई, तूने पैगंबर की सुन्नत अपने चेहरे पे सजा ली है, अब किसी लड़की से मंगनी हुई वो कहती है दाढ़ी मुंडवा दे तब तेरे साथ शादी करूंगा, अब ते करूंगी, अब तेरे ऊपर आजमाइश है, इम्तिहान है, आया तू किसको तरजीह देता है। कुरान समझा रहा है, ऐ ईमान वालो ये ख्याल न करना कि सिर्फ कलमा पढ़ लेने से जन्नत मिल जाएगी, जिस जन्नत के तुम शैदाई हो उसे हासिल करने के लिए तुम्हें आजमाइश की भट्टियों में डाला जाएगा, इम्तिहान लिया जाएगा। देखो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर 950 साल इम्तिहानात आए, कौम नफरत करती रही, हजरत नूह तबलीग करता रहे, नतीजा हजरत नूह के हाथ में रहा, फाखाज़हुम तूफान, आ पकड़ा उनको तूफान ने, वो थे जुल्म करने वाले, हमने हजरत नूह को निजात दे दी और किश्ती वालों को, और इनको हमने इबरत का नमूना बना दिया जहान वालों के लिए। वाई बोराही किस्सा सानी मुतालिक बदावा अव्वल, ये भी पहले दावा से मुतालिक है। पहले दावा था आजमाइशें आएंगी, यानी हजरत इब्राहिम को देखो, हजरत इब्राहिम को देखो, उन्होंने अपनी कौम के सामने दावत तौहीद पेश की, और उसकी वजह से वक्त के बादशाह नमरूद और अपनी कौम और अपने बाप की तरफ से मुसलसल मसाइब का निशाना बने, बस हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हाल देखो, अब्बा के सामने बयान किया, या अबते लिमा ताबुदु मा ला यस्मा, ऐ मेरे अब्बा इनकी इबादत क्यों करता है जो तेरी पुकारों को नहीं सुनते, तेरे हालात को नहीं देखते, तेरी बिगड़ी बनाने पर कादिर नहीं है।
अब्बा ने कहा वाह जुर्नी मलिया, मेरे घर से निकल जा, मेरी आंखों से ओझल हो जा। बाप ने घर से निकाल दिया बाज मसले तौहीद की वजह से। वक्त के बादशाह नमरूद को अल्लाह की तौहीद सुनाई, नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया, आग के चिखा में डाल दिया। कुरान समझाना चाहता है ईमान वाला, सिर्फ कलमा पढ़ने से काम नहीं बनेगा, जिस जन्नत के तुम शैदाई हो उसे हासिल करने के लिए तुम्हें आजमाइश की भट्टी में डाला जाएगा। देखो हजरत इब्राहिम पर कितनी आजमाइश आई, इसलिए हजरत इब्राहिम का किस्सा आ रहा है। वाह इब्राहिम, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस काला ले कौम ही, जब उन्होंने अपनी कौम को कहा ओ बुदुल्लाह अल्लाह की इबादत करो, वत्तक हो उससे डर जाओ, ये अल्लाह की इबादत करना तुम्हारे लिए बड़ा बेहतर है। अगर तुम जानते हो इन्नमा तुम ताबुदुना मिन दूनिल्लाह, हजरत इब्राहिम ने कहा ऐ मेरी कौम तुम अल्लाह के सिवा बुतों की इबादत करते हो। इन्नमा ताबुदुना मिन दूनिल्लाह, बेशक तुम इबादत करते हो अल्लाह के सिवा औसानन बुतों की, वतखलुकूना का, और तुमने ये झूठ खड़ा हुआ है, और तुमने ये झूठ खड़ा हुआ है कि ये हमारे माबूद हमारे मुश्किल कुशाए आड़े वक्त में हमारी सफारिश करेंगे। फरमाया इन्नल्लज़ीना ताबुदूना मिन दूनिल्लाह, हजरत इब्राहिम ने फरमाया ऐ मेरी कौम के लोग तुम जिनकी इबादत करते कर रहे हो अल्लाह के सिवा, इन्नल्लज़ीना ताबुदूना मिन दूनिल्लाह जिनकी इबादत कर रहे हो अल्लाह के सिवा, ला यमलिकूना लकुम रिज़्क़ा, वो नहीं अख्तियार रखते तुमको रोजी देने का, वो तुम्हें रोजी देने का अख्तियार नहीं रखते। अब तक इंदल्लाह रिज़्क़ा, अपनी रोजी अल्लाह से तलाश करो, वाबुदुहा उसी अल्लाह की इबादत करो, वाशुकुरुला उसी के शुक्रिये करो, वाइलैहि तुरजऊन और मरने के बाद तुम्हें उसी की तरफ लौटा कर ले जाया जाएगा। देखा है हजरत इब्राहिम समझा रहे है ऐ मेरी कौम के लोग जिनकी तुम इबादत कर रहे हो, जिनकी पुकारें कर रहे हो, जिनकी नजरें मनते देते हो, ये तुम्हें रोजी देने का अख्तियार नहीं रखते। इबादत के लायक तो वो जात है जो रोजी देने का अख्तियार रखे, सजदे के लायक वो जात है जो रोजी देने का अख्तियार रखे। अल्लाह रोजी देने का अख्तियार रखता है, अल्लाह सजदे के लायक है, कब्र वाला रोजी नहीं दे सकता, इसलिए कब्र वाला सजदे के लायक नहीं है। हजरत इब्राहिम ने ये कहा वाहिरों तो कज़्ज़बू, अगर तुम तकज़ीब करोगे मेरी बात नहीं मानोगे, वक़द कज़्ज़बा उम्म मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले भी कई जमातों ने तकज़ीब किया, उनका अपना नुकसान हुआ, पैगंबर का नुकसान नहीं होता। वमा अला रसूल इल्ला बलागुल मुबीन, नहीं है जिम्मे पैगंबर के मगर पहुंचा देना साफ साफ। पैगंबर का काम है तबलीग करना, पैगंबर ने काम तो तबलीग कर दिए, अब न मानो तुम्हारा अपना नुकसान होगा। अवलम यरा दलील अकली बराए सुबूते कियामत, बराए सुबूते कियामत, यानी जो अल्लाह पहली दफा पैदा कर सकता है, वो दोबारा भी पैदा कर लेगा। वो दोबारा भी पैदा कर लेगा। बस मुशरिकीन मक्का कहते थे जब हम मर जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, हड्डियां हो जाएंगे, बोसीदा हो जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे,
कौन पैदा करेगा? अल्लाह ने फरमाया जो पहली दफा पैदा कर रहा है वही दोबारा पैदा करेगा। अवलम यरा, आया नहीं देखा इन्होंने, कैफा युब्दे उल्लाहुल खलका, कैसे इब्तिदान पैदा किया है अल्लाह ने मखलूकात को, अल्लाह ने मखलूक को पहली दफा कैसे पैदा किया है। सुम्मा युईदुहु, फिर वही इसको लौटाएगा। पहली दफा पैदा करना मुश्किल होता है, दोबारा तो नकल उतारी जाती है, नकल उतारना आसान होता है। फरमाया क्या नहीं देखा इन्होंने कैसे पैदा किया अल्लाह ने, पहली दफा पैदा किया मखलूकात को, वही इसको लौटाएगा। इन्ना ज़ालिका अल्लाह यसीर, बेशक ये दोबारा लौटाना अल्लाह पर बड़ा आसान है। कुल सीरू फिल अर्ध, सैर करो जमीन में, देखो कैफा बादा अल खलका, कैसे अल्लाह ने शुरू में बनाया मखलूकात को। सुम अल्लाह इनसे नशात अल्लाह खैरा, फिर वही दोबारा पैदा करेगा। अल्लाह हर शे पे कादिर है, दोबारा पैदा करने के बाद युअज़्ज़िबु मन यशा, दोबारा पैदा करने के बाद अपने कानून अदल से जिसे चाहेगा अजाब देगा। वयरहमु मन यशा, और अपने फजल से जिस पर चाहेगा रहम करेगा। दोबारा जरूर पैदा करेगा, दोबारा पैदा करने के बाद जिसे चाहेगा अजाब देगा, लेकिन अपने कानून अदल से देगा, ज्यादती किसी पर नहीं करेगा। जिस पर चाहेगा रहम करेगा, रहम अपने फजल से करेगा, रहम अपने फजल से करेगा। इसलिए कि जन्नत की नेमतें इंसान के आमाल से बहुत ऊंची है, इंसान के आमाल से बहुत ऊंची है। इंसान का अमल महदूद है, इंसान का अमल क्या है, महदूद है। मसलन एक इंसान हजार साल अमल करता रहा, हजार साल जिंदा रहा, तो उसका ये अमल हजार साल महदूद है, तो इसका सवाब भी महदूद होना चाहिए। फिर सवाब चलो 10,000 साल कर लो, 40,000 साल कर लो, तो महदूद होना चाहिए। लेकिन अल्लाह की जन्नत ला महदूद है, अल्लाह की जन्नत उसकी कोई हद नहीं होगी। इंसान अपने अमल की बुनियाद पर, अमल महदूद की बुनियाद पर उस ला महदूद जन्नत को हासिल नहीं कर सकेगा, जब तक अल्लाह का फजल और रहमत, अल्लाह का फजल और रहमत भी ला महदूद है, जब तक वो शामिल हाल नहीं होगी इतने तक जन्नत को हासिल नहीं कर सकेगा। जैसे मुस्लिम शरीफ में आपने हदीस पढ़ी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की रहमत के बगैर कोई जन्नत में नहीं जाएगा, अल्लाह की रहमत के बगैर कोई जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबा ने अर्ज की वला अंत या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आप भी अल्लाह की रहमत से जाएंगे? आपने फरमाया हाँ, वला आना इल्ला अय्यत गम्मदनी अल्लाह बिरहमत मिनहु, मुझे भी अल्लाह अपनी रहमत में निहा कर मुझे जन्नत में ले जाएगा। बात समझ आई? तो मैंने दौरा हदीस जामिया अशरफिया लाहौर में किया था, हमारे उस्तादों ने इसी हदीस की तौजीह ये बयान फरमाई थी कि हुजूर फरमा रहे जो कोई भी जन्नत में जाएगा अल्लाह की रहमत से जाएगा। तो उस्तादों ने तौजी ये बयान फरमाई, यही जो मैंने बयान किया है। क्यों अल्लाह की रहमत का जिक्र किया? इसलिए कि इंसान का अमल महदूद है, इंसान का अमल क्या है, और महदूद का समरा महदूद होना चाहिए, महदूद का समरा महदूद होना चाहिए। मसलन 100 साल जिंदा रहा, अमल करता रहा, तो उसका सवाब चलो 1,000 साल होना चाहिए, 1,00,000 साल होना चाहिए, लेकिन अल्लाह की जन्नत ला महदूद है, उसकी कोई हद नहीं है। तो अमल महदूद से ला महदूद जन्नत इंसान हासिल नहीं कर सकेगा। हाँ, अल्लाह की रहमत भी ला महदूद है, अल्लाह की रहमत जब इसके अमल के साथ शामिल हाल हो जाएगी तो ला महदूद जन्नत हासिल करने का हकदार बन जाए आएगा। अल्लाह हमें जन्नत अता फरमाए, अल्लाह हमें जन्नत। इसलिए मैंने ये माना किया है अल्लाह जिसे अजाब देगा
अपने कानून अदल के तहत देगा, और जिसे रहमत करेगा अपने फजल से उस पर रहमत फरमाएगा। हाँ जी, ये बातें मैं इसलिए करता हूं कि हमें अपनी असातजा की बातें इतनी मुद्दत के बाद भी याद है, इसलिए कि हम जाग कर बैठा करते थे, बेदार होकर बैठा करते थे। आप भी बेदार होकर बैठा करें, सोने की हालत में नहीं पढ़ना चाहिए। युअज़्ज़िब मन यशा व यरहम मन यशा व इलैहि तुक्लबून, और तुम उसी की जानिब लौटाए जाओगे। वमा अंतुम बिमुजीज़ीना फिल अर्ज़, और तुम नहीं हो आजिज़ करने वाले अल्लाह को जमीन में ना आसमान में, के जमीन में छुप जाओ, अल्लाह के हाथ ना आओ। वमा लकुम मिन दूनिल्लाह, नहीं होगा तुम्हारे लिए अल्लाह के आगे कोई रखवाला। वला नसीर, और न कोई मदद करने वाला, और न कोई मदद करने वाला। वल्लज़ीन कफरू बि आयातिल्लाह, जिन्होंने इनकार कर दिया अल्लाह की आयात का, आयात तौहीद का इनकार कर दिया। वलिकाएही, और उसकी मुलाकात का, अल्लाह की मुलाकात का इनकार कर दिया, यानी कियामत के मुनकर बन गए। उलाएका यायसु मिर रहमती, ये लोग मेरी रहमत से ना उम्मीद होंगे। वा उलाएका लहुम अज़ाबुन अलीम, इनके लिए अज़ाबों का दर्द देने वाला, ये लोग मेरी रहमत से ना उम्मीद होंगे, इनके लिए दर्द देने वाला अज़ाब होगा। हजरत इब्राहिम का किस्सा आ रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद के दलायल, कियामत के दलायल, अपनी कौम, वक्त के बादशाह, बाप के सामने बयान फरमाए। अब जवाब आया उनकी जानिब से, फमा कान जवाब कौमी, नहीं था जवाब उसकी कौम का, हजरत इब्राहिम की कौम का, और कोई जवाब नहीं था। इल्ला अन कालू, मगर ये के उन्होंने कहा, इसको कत्ल कर दो, हजरत इब्राहिम को कत्ल कर दो, और हर्रिकू, या इसको आग में जला दो। देखा है जुर्म क्या है, कसूर क्या है। पैगंबर सिर्फ ये कहता है, इबादत के लायक अल्लाह है, तुम्हारे झूठे माबूद इबादत के लायक नहीं है, सजदे के लायक एक अल्लाह है, तुम्हारे माबूद सजदे के लायक नहीं है, नजर नियाज मन्नत मनोती के लायक सिर्फ एक अल्लाह है, तुम्हारे माबूद नजर नियाज मन्नत के लायक नहीं है। कौम को इतना गुस्सा आया कि ये बातें क्यों करता है, इसको कत्ल कर दो या आग में जला दो। चुनाचे हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया। आगे ये किस्सा आएगा। जब उन्होंने आग में डाला, फान जाहुल्लाहु मिनन्नार, निजात दे दी उसको अल्लाह ने आग से। हजरत इब्राहिम को निजात देने वाला, बचाने वाला, पनाह देने वाला अल्लाह है। जब हजरत इब्राहिम को बचाने वाला अल्लाह है, हर एक का हाजत रवा, मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह है। पीराने पीर हाजत रवा, मुश्किल कुशा नहीं है, हाजत रवा मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह है। इन्ना फी ज़ालिका, बेशक इसमें अलबत्ता कई दलायल है मानने वाली कौम के लिए। वकाला इन्ना मत्तखज़्तुम मिन दूनिल्लाह, और हजरत इब्राहिम ने ये भी कहा, इत्तखज़्तुम मिन दूनिल्लाह, बना लिए हैं तुमने अल्लाह के अलावा बुतों को माबूद बना लिया है। इन्ना मत्तखज़्तुम, बेशक तुमने बना लिया है अल्लाह के सिवा औसान बुतों को माबूद। क्यों मवद्दता बैनकुम फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में आपस की दोस्ती की वजह से। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, मेरी कौम तुमने बुतों को हाजत रवा और मुश्किल कुशा
किसी दलील की बुनियाद पर नहीं बना रखा, माज अपनी दुनिया की दोस्ती की वजह से, माज अपनी दुनिया की दोस्ती की वजह से तुमने इनको माबूद बना रखा है। और अब तुम्हें बात समझ आ भी जाए तो इधर नहीं आते हो, क्यों? ख्याल करते हो दोस्ती खत्म हो जाएगी। दोस्ती क्या हो जाएगी? फलां मेरा दोस्त गैरुल्लाह का पुजारी है, मुझे तौहीद समझ आ गई है, अगर तौहीद मानता हूं उसकी दोस्ती खत्म हो जाएगी। तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, दुनिया में दोस्ती की वजह से शिरक कर रही हो, सुम्मा यौमल कियामा, जब कियामत का दिन आएगा तुम्हारे बाज बाज के इनकारी हो जाएंगे, कुंबाजा एक दूसरे पर लानते बरसाएंगे, एक दूसरे पर। कियामत के दिन इंसान अपने हाथों को काट काट खाएगा, कहेगा या लैतनी लमअत्तखिज़ फुलाना, हाय मैंने फला को दोस्त न बनाया होता, लकद अज़ल्लानी उसी ने मुझको गुमराह कर डाला, उसी ने मुझको, लिख लो ये मवद्दत बैने को, मतलब ये है आपस की दोस्ती की वजह से शिर्क में जकड़े हुए हो, कहते हो अगर शिरक छोड़ते हैं तो ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, जब कियामत आएगी तुम एक दूसरे पर लानत बरसाओगे, और तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा। नीचे लकीर लगा दो, इससे मालूम हुआ के माज दोस्ती की बुनियाद पर कोई जुर्म करना इंतहाई खतरनाक है। माज दोस्ती की बुनियाद पर कोई जुर्म करना इंतहाई खतरनाक है। बस मुफ्ती तकी उस्मानी मुद्दज़िल्लहुमुल आली ने ये जुमला लिखा है जो मैंने आपको लिखवा दिया है, माज दोस्ती की बुनियाद पर कोई जुर्म करना इंतहाई खतरनाक है। अब इसको समझो, आजकल के सियासी इसमें मुबतला है, आजकल के सियासी इसके इसी में मुबतला है, ईसाइयों के गिरजे में जाते हैं उनके साथ जाकर घंटियां बजा रहे हैं, महज दुनियावी ताल्लुक की वजह से, वोट की पर्ची के लालच की वजह से। बात समझ आई? अच्छे भले मुवाहिद है, मजारों पे जाकर चादरें चढ़ा रहे हैं, महज दुनियावी ताल्लुकात की वजह से। अगर ये नहीं करता तो दुनिया का ताल्लुक खत्म होता है, दुनिया का। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, आज तो तुम दुनिया में दुनियावी ताल्लुकात की वजह से ये गलत काम कर रहे हो, कल जब कियामत आएगी एक दूसरे पर लानत बरसाओगे कि लानती बेईमान तू ना होता, तूने मुझे बर्बाद कर डाला, तेरी दोस्ती ने मेरा सत्यानाश कर दिया, तेरी दोस्ती ने मेरा सत्यानाश कर दिया, एक दूसरे पर लानते बरसाओगे। बात समझ आई? माज दुनियावी ताल्लुकात पर उनकी बरसी में जा पहुंचे, उनके चेहलम में जा पहुंचे, हर जराम में जा पहुंचे। फरमाया कयामत जब आएगी ये दोस्तियां दुश्मनी में बदल जाएगी, ये हजरत इब्राहिम कह रहे,
कौन कह रही है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रही है। वकाल इन्नमत्तखज्तुम मिन दूनिल्लाह, और हजरत इब्राहिम ने ये भी कहा तुमने अल्लाह के अलावा बुतों को माबूद बनाया है महज दुनिया में आपस की दोस्ती की वजह से। सुम्मा यौमल क़ियामा, फिर क़ियामत के दिन यकफुरु बाज़ुकुम बिबाज़, बाज़ का इनकार कर देंगे, दोस्ती का इनकार कर देंगे। वयलअनु बाज़ुकुम बाज़ा, लानत बरसाएंगे बाज़ पर। वमावाकुम नार, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम की आग होगी। वमालकुम मिन्ना नासिरीन, तुम्हारी कोई मदद करने नहीं आएगा। फआमन लहू लूत, ये आग वाला वाकया इराक में पेश आया। इसके बाद हजरत इब्राहिम ने दीन की खातिर वतन छोड़ दिया। वतन छोड़ दिया और शाम के मुल्क चले गए। आए ईमान वाला, दीन की वजह से तुम पर भी मसाइब आएंगे। मसाइब आएंगे, तुमने तौहीद सुनी, मसला समझ आ गया, घर वाले मुखालिफ हो जाएंगे, घर से निकालेंगे, आरा तरह तरह की अजियतें देंगे। फरमाया दीन की खातिर तुमने ये सारी चीजें बर्दाश्त करनी होगी। यहां सिर्फ हजरत लूत अलैहिस्सलाम ईमान लाए, इराक के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर कोई ईमान नहीं लाया, सिर्फ हजरत लूत अलैहिस्सलाम ईमान लाए। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, इन्होंने हजरत इब्राहिम के साथ हिजरत की। बाद में अल्लाह ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भी नबी बनाया। फआमन लहू लूत, पस ईमान लाया उस पर लूत अलैहिस्सलाम, और कोई ईमान नहीं लाया। वकाला, और हजरत इब्राहिम ने कहा इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी, मैं हिजरत करने वाला हूँ अपने रब की तरफ, जहाँ मेरा रब फरमाएगा वहां मैं हिजरत कर जाऊंगा। इन्नहु वल अजीजुल हकीम, वो अजीजुल हकीम है। वाहबुना इन आमात बाद अज हिजरत, इन आमात बाद अज हिजरत, इन आमे अव्वल, इन आमे अव्वल। बाकी बातें लिखो नहीं, जेहन में रखो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दीन की खातिर हिजरत की, अल्लाह ने इनामात की बारिश बरसा दी। ऐ ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर भी मसाइब आएंगे, बर्दाश्त करोगे, अल्लाह इनामात से नवाजेगा, अल्लाह इनामात से नवाजेगा। हजरत इब्राहिम ने यहाँ से हिजरत किया, इराक से हिजरत किया, अब्बा ने वतन से निकाल दिया, रब्बे जुलजलाल ने फरमाया हमने पहला इनाम ये किया। वाहबना लहू, बख्शा हमने उसको इसहाक बेटा। वा याकूब, और याकूब पोता हमने बेटा भी दिया, पोता भी दिया, अल्लाह ने खानदान बना दिया। वजालना इनाम दोम, दूसरा इनाम ये किया, कर दिया हमने उसकी औलाद में नबुवत और किताब को। हजरत इब्राहिम की औलाद में नबुवत को बंद कर दिया,
उनको शाने दी। पहला इनाम ये किया अल्लाह ने बेटा और पोता दिया, दूसरा इनाम ये किया इस बोट बेटे और पोते को नबी भी बनाया। वातैनाहु अजरहु इनाम सोम। तीसरा इनाम वातैनाहु अजरहु दिया हमने उसको अजर दुनिया में, हमने उसको दुनिया में अजर दिया, दुनिया में अजर ये, दुनिया में अजर ये कि हजरत इब्राहिम का नाम जिंदा जावेद कर दिया, दुनिया में ये अजर दिया हजरत इब्राहिम का नाम जिंदा जावेद कर दिया। तमाम अधियान वाले सारे दीनों वाले यहूदी ईसाई तमाम अधियान वाले उनको अपना पेशवा समझते हैं, यहूदी भी हजरत इब्राहिम को पेशवा समझते हैं, नसारा भी, मुशरिकीन अरब भी। ये अल्लाह ने दुनिया में इनाम दिया। वफिल आखिरा इनाम चहारम और आखरत में इनाम ये कि हजरत इब्राहिम मुकर्रबीन बारगाह खुदावंदी, मुकर्रबीन बारगाह खुदावंदी के दर्जात पर फायज होंगे। अल्लाह अपने कुर्ब का दर्जा अता फरमाएगा। मुकर्रबीन बारगाह खुदावंदी के दर्जात पर फायज होंगे। बस वालूतन किस्से सालिस मुतालिक बदावा अव्वल, किस्से सालिस ये भी पहले दावा से मुतालिक है कि ईमान वालों तुम पर आजमाइशें आएंगी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम पर आजमाइशें आई। बस ये वाकया कई दफा गुजरा हुआ है। वालूतन और लूत अलैहिस्सलाम इस काल आले कौम ही जब उन्होंने कहा अपनी कौम को इन्नकुम लतातुनल फाहिशा तुम आते हो बेहयाई के काम को, मा सबक़कुम बिहा तुमसे पहले ये काम किसी ने नहीं किया जहान वालों से, सारे जहान वालों से तुमसे पहले ये काम किसी ने नहीं किया। लिवातत के मूजिद यही है, लिवातत के मूजिद यही है, इससे पहले दुनिया में लिवातत का नाम निशान नहीं था, लिवातत के मूजिद यही है, इसीलिए हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा सबक़कुम बिहा मिन अहद मिन अलआलमीन, जहान वालों में से किसी एक ने तुमसे पहले ये काम नहीं किया। अइन्नकुम लतातून अर्रिजाल क्या तुम मर्दों पर शावत को आते हो, वतक्तून सबील और डाके भी मारते हो, ये बड़े बड़े डाकू भी थे, रास्ते को कतल करते हो, रास्ते को कता करते हो, डाकू रास्ता कता करते है। वतातून और आते हो तुम फी नादी को मुलमुनकार भरी मजलिस में बुरे काम को, ये इज्तिमाई जना किया करते थे, इज्तिमाई जना किया करते थे, दस दस आदमी जमा हो गए और एक दूसरे के सामने जना किया करते थे, इसी को कुरान कहता है। वतातूना फी नादी को मुलमुनकार, फी नादी को मुलमुनकार, गोया इन्होंने, गोया हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने ये क्लब बनाए हुए थे, उन क्लबों में जाकर
हमारी महफल में जना बदकारी किया करते थे। वता तू ना फी नादी को मुल मुनकारा, आते हो तुम भरी मजलस में बुरे काम को। फमा काना जवाब कौमी, उसकी कौम का और कोई जवाब नहीं था, मगर ये कह कहने लगे ये इतना बेअज़ाब लिया हम पर अल्लाह का आजाब। अगर तू सच्चा है काला रब्बिन सुरनी, इल्तिजाए लूत हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की। काला रब्बिन सुरनिया, कहा लूत अलैहिस्सलाम ने ए परवरदिगार मेरे मदद कर मेरी फसादी कौम पर, ऐ मेरे मौला फसादी कौम पर मेरी मदद फरमा। जना निरा फसाद है, डाका निरा फसाद है, इस कौम में ये दोनों बातें थी, जना भी करते थे डाके भी मारते थे। फरमाया ऐ मेरे मौला इस फसादी कौम पर मेरी मदद फरमा। वलम्मा जात रुसुलना इब्राहीम बिल बुशरा, जब आए हमारे फरिश्ते हजरत इब्राहीम के।